नमस्कारः पुनरेकवारं द्वितीय सत्रे भवतां भवतीनां च स्वागतम्। पुनः एक बार दूसरे सत्र में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। पूर्व सत्र की बात इस सत्र में भी हम अपने मार्गदर्शक जो हमें ऑनलाइन प्रश्न पत्र निर्माण एवं विस्तृत प्रश्न पत्र निर्माण कैसे किया जाए इसके संदर्भ में इस सत्र में बताएंगे। हमारे सबके प्रिय अत्यंत आदरणीय सरलता पूर्वक हमें जो विषय का बोधन कराते हैं ऐसे हमारे पूज्य प्रोफेसर रमेश चंद्र शर्म महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि वो पुनः एक बार हमारा द्वितीय सत्र में मार्गदर्शन करें। प्रोफेसर आरसी शर्म महोदय। थैंक यू परमेश जी। अभी मैं क्विकली आपको इट इज एन असेसमेंट ऑफ व्हाट द स्टूडेंट एक्चुअली लर्न्स इन द क्लास। जी सही बात है। ओके लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें ये आता है कि जब आप असेसमेंट बनाएंगे तो ये तीन तरह का असेसमेंट है जो आप सोच सकते हैं अपने कोर्स के लिए। एक है परफॉर्मेंस असेसमेंट, एक है ऑथेंटिक असेसमेंट और एक है पोर्टफोलियो असेसमेंट। परफॉर्मेंस असेसमेंट वहाँ होता है जहाँ पर आपने किसी की परफॉर्मेंस देखनी हो और उसके लिए एक एक्टिविटी होती है उसको बोला जाता है फिश बाउल एक्टिविटी। फिश बाउल का मतलब जैसे वो आपने देखा होगा मछली वाला जो बाउल होता है उसके अंदर मछली है वो ऐसे घूमती रहती है और आप बाहर से मछली को देखते हो। ये नीचे आपको फोटो में भी दिखाई दे रहा होगा। तो क्लास की एक्टिविटी के अंदर स्टूडेंट्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं वो परफॉर्मेंस होता है, उसकी आपको परफॉर्मेंस को देखना है। ऑथेंटिक असेसमेंट होता है, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे कहा था आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, हो सकता है आप लोगों ने आंसर ढूंढ लिया होगा। ऑथेंटिक लर्निंग वो होती है ऑथेंटिक असेसमेंट कि जो स्टूडेंट उसको करने के बाद रियल लाइफ में कर पाए या ना कर पाए, पर यहाँ पर आकर हम लोग फेल हो रहे हैं। अब देखिए कितने सारे लोग बीसीए एमसीए वगैरह करते हैं फिर बाद में कहते हैं कि जॉब नहीं मिल रही, और लिटरली आप इस बात को माने कि मैंने खुद देखा है लोगों को बोला कि भाई ठीक है आप मेरे को कुछ टाइप करके दिखाओ। कुछ तो उसमें से ऐसे थे जो बीसीए पास थे लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो कंप्यूटर है उसका ऑन ऑफ का स्विच कहाँ है। तो आप क्या करेंगे। फिर प्लेगरिज्म के ऊपर बात आई थी, प्लेगरिज्म बड़ा सीरियस है। ये आप देखें यहाँ पे आपको एक चिट्ठी दिखाई दे रही होगी जो हमारे कलाम साहब जो प्रेसिडेंट थे उनको लिखी गई थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जिसमें कुमाऊं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ऊपर एलिगेशंस लगे थे कि उन्होंने कुछ लोगों का वो किया है, और इट्स ए वेरी सीरियस इशू। हमें ये देखना होगा कि हमारे जो परफॉर्मेंस लेवल है वो कैसा होगा, उसको हम किस तरीके से चेक कर पाएंगे। उसके लिए आप अपना ग्रेडिंग क्राइटेरिया बना सकते हो, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप अपना क्या ग्रेडिंग क्राइटेरिया रखते हैं। और उसको करने के लिए आप कुछ एक्टिविटीज हैं जो आप एग्जाम के अंदर आप डाल सकते हो, जैसे शॉर्ट एक्टिविटी, सेल्फ टेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर, या आप स्टूडेंट्स को कह सकते हैं कि आप कोर्स का समरी करेंगे। जैसे शायद परमेश जी ने अब ये जिम्मा ले रखा है कि सेशन के एंड पे आप उसको सम अप करेंगे एक रिकैपिचुलेशन के तौर पर। उसका वैलिडिटी और उसका रिलायबिलिटी, आपका जो टेस्ट है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से कर सकते हैं हम, और जो उनके यूज हैं। अब जैसे आप लॉन्गर आंसर का असाइनमेंट कर रहे हैं या जहां पर कुछ चीज किसी चीज को सबमिट करना हो तो उनके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे ऐसे टाइप के अंदर आप क्या लॉन्गर आंसर के अंदर आप क्या वो करेंगे, वो डिस्कर्सिव होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, एनालिटिकल होना चाहिए। यदि वो क्विज है या मल्टीमीडिया है तो उसके ये एग्जाम्पल्स हैं। ऑनलाइन आप डिस्कशन कर रहे हैं तो उसमें आप केस एनालिसिस कर सकते हो, डिबेट करा सकते हो, रोल प्ले करा सकते हो, या जैसे विकी को यूज कर सकते हैं आप, गूगल डॉक्यूमेंट्स को यूज कर सकते हैं, उनकी सहायता से ये चीजों को आप ऑनलाइन
असेसमेंट जब आप बनाते हो तो ये उनके एग्जांपल्स हैं किस तरीके से आप कर सकते हो। अब ये वो है कि जब ऑनलाइन सबमिशन ऑफ असाइनमेंट होता है तो क्या आपको उसके अंदर चैलेंज और अपॉर्चुनिटी मिलती है। मान लीजिए लॉन्गर आंसर टाइप में आप चाहते हैं, स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आपने इसको वो करना है, तो ये उसके चैलेंजेस हैं। फाइल साइज, बैंडविड्थ, जैसे अभी पहले सेशन में आप लोग फील कर रहे थे कि नेट का कुछ इशू है, तो उनको वो देकर, बट उसके कुछ फायदे भी हैं। इमीजिएटली है, कई तरह की फाइलें आप हो सकते हैं, प्लैगरिज्म को चेक किया जा सकता है ऑनलाइन करने में, जो कि नॉर्मल कोर्स में नहीं मिलेगा। जब यदि किसी ने नॉर्मल ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन के अंदर उस चीज को वो कर रखा है तो वो करके, यदि आप मल्टीमीडिया और क्विज वगैरह में एमसीक्यू वगैरह को यूज करते हैं, जैसे एक्यूरेट होता है वो सॉफ्टवेयर, उसको ऑटोमेटिकली चेक करेगा, तो ह्यूमन एरर उसके अंदर नहीं मिलती। फिर उसकी मेंटेनेंस बड़ी लो है, एक बार आपने सॉफ्टवेयर में उसको डाल दिया तो सॉफ्टवेयर उसको अपने आप ग्रेड करता रहेगा, और स्टूडेंट्स को इमीडिएटली फीडबैक मिल जाता है उससे। उसका ये एक फायदा होता है इन तरह को करने का। और इसके अंदर फिर जब ऑनलाइन आप डिस्कशन कुछ करते हैं तो उसके अंदर रोल आपने बना दिए, डिबेट किया, डिस्कशन किया, तो फायदा उसका ये हो कि वो इजी है सेटअप करने के लिए, और सभी लोग एक दूसरे का ओपिनियन देखते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन वहीं कहीं मांगा जा सकता है, और ये कैन ग्रेडेड भी इसको किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि इतनी सारी प्रेजेंटेशन के बाद कि क्या आप अब ऑनलाइन असेसमेंट के लिए तैयार हो। ये एक आप किस तरीके से अपना टेबल बना के रखें आप अपने तार, और अपना ये देखें कि आपको आपका जो रिस्क लेवल है उसको करने का लो है, मीडियम है या हाई है। रिस्क लेवल का मतलब, यदि आपका रिस्क लेवल लो है तो इसका मतलब आप ज्यादा तैयार हैं, और यदि आप ये कहते हैं कि आपका हाई है रिस्क लेवल, तो इसका मतलब अभी आपको कुछ और देखने की जरूरत है। यानी जैसे टेक्निकल इशू है, क्या आपके पास रेलेवेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, बैंडविड्थ है, प्लैगरिज्म चेक करने के लिए क्या आपके पास वो सॉफ्टवेयर है, सपोर्ट करने के लिए रिक्विडिस, स्टूडेंट्स के आईडी क्रिएट करना वगैरह, ये चीजें इसके रिस्क फैक्टर में आ जाती है। तो मैं आपको ब्रीफली इनके बारे में बताऊंगा नहीं, जस्ट आपको केवल साइट दिखा रहा हूँ, जो आप अपने बाद में आप सर्च करते रहिएगा कि किस तरीके से आप कुछ टूल्स को आप यूज कर सकते हैं। ये मैथमेटिक्स वालों के लिए है, आप में से ज्यादातर शायद संस्कृत के हैं आज, बट अदरवाइज आप अपने कोई आपका कुलीग है उनको बता सकते हैं। ऑनलाइन असेसमेंट करने के लिए ये एक टूल है, ये जो आईफोन जिनके पास है, आईपैड वगैरह है, उनके लिए एक अच्छी ऐप है, जो आप रेगुलर एग्जामिनेशन वगैरह इसको इस ऐप को यूज करके कंडक्ट करा सकते हैं। ये एक है जो आप सभी लोग टेस्ट कर सकते हो, questbased.com, और इसके अंदर क्विज का भी सॉफ्टवेयर है, टेस्ट मेकर भी है, जो आप लॉन्गर आंसर, शॉर्टर आंसर, एग्जाम मेकर, असेसमेंट, सारी चीजें फ्री टूल है ये। आप इसको यूज करके आप अपना टाइम लिमिट के हिसाब से कस्टम फीडबैक कर सकते हो, पर्सनल सर्टिफिकेट इशू कर सकते हो वहाँ से, और उसके अंदर जो आपका सिलेबस जो कोर्स है उससे डिपेंडेंट जो चीज़ है इजीली उस तरीके से उसको आप मैनेज कर सकते हो। ये एक सॉफ्टवेयर है जो इंडिया में अभी ये लोग फ्रीली ऑफर कर रहे हैं कि असेस ऑनलाइन, और इसके अंदर आप अपना असेसमेंट क्रिएट कर सकते हो, ऑटो इवेल्युएशन है, दे आर सेइंग दैट असेस ऑनलाइन इज फ्री टू यूज, प्लैगरिज्म चेकर है, रिमोट वर्किंग है लो नेटवर्क एरियाज के अंदर, और वो तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है प्रॉक्टर यू, जो काफी यूनिवर्सिटीज में लोग यूज कर रहे हैं इसको, ये पेड वर्जन है, बट इसके अंदर सारा पूरे का पूरा जैसे नॉर्मल सर्कमस्टांस के अंदर एग्जाम किया जा सकता था, उसी तरीके से ये सारे का सारा आपका एग्जाम ले सकता है, जिसमें सिक्योरिटी और वो सारी चीजें कवर हो जाती हैं। तो ये इसके बारे में था कि किस तरीके से आपको यदि ऑनलाइन असेसमेंट में जाना है तो आप किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपको यदि लॉन्गर आंसर टाइप या शॉर्टर आंसर टाइप बनाने हो तो उसके लिए क्या एक सिंपल टूल आप यूज कर सकते हैं। जो सबसे सिंपल टूल है, जो इजीली है, मेरा ख्याल में आप लोगों में से कुछ लोग तो शायद 5 मिनट के अंदर ही उसको यूज करके, जिन्होंने जो जानते होंगे वो
समझते होंगे, बड़ा इजी है। मैं आप लोगों को यूज करके अब दिखा रहा हूँ गूगल फॉर्म के, गूगल फॉर्म के हिसाब से किस तरीके से आप अपना ऑनलाइन असेसमेंट बना सकते हो। पहली उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि नहीं, अभी मैंने स्क्रीन शेयर किया नहीं है, अभी मैं ओपन कर रहा हूँ, अब आपको दिखेगा। पहली उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। तो आप अपना जब जीमेल अकाउंट में चले जाएंगे तो आप गूगल ड्राइव में चले जाइए। अच्छा ये रहता है कि आप हमेशा अपने असेसमेंट को एक जगह पर रखें, तो उसके लिए आप एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ये मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया और अब इस वर्कशॉप से रिलेटेड जितना भी है वो मेरा यहाँ पर इस फोल्डर में रहेगा। उसके बाद आप इस न्यू प्लस के निशान को क्लिक करेंगे और मोर में आएंगे और गूगल फॉर्म्स, ये इसको क्लिक करेंगे आप। गूगल फॉर्म बहुत ही पावरफुल है, बहुत इजी है, बहुत सेफ है और इसमें काफी तरह के आप कंट्रोल डाल सकते हैं इसमें, जिससे कि आपको आपकी कुछ चीजों में वो बिल्कुल भी सिक्योरिटी उसकी अफेक्ट नहीं होती। और इसको आप अपना रेगुलर एग्जाम के तौर पे भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आप अपना क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर ये कहते हैं कि श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी जून 20 एग्जाम, ये मैंने अपने इसका नाम दे दिया, एग्जाम मैं 1 दे देता हूँ ताकि 1-2-3 और बने। अब इसमें एक अच्छी चीज ये होती है कि आप यहाँ पे आपने नाम लिखा और ये अनटाइटल्ड ऊपर जो कॉर्नर में आपको दिख रहा है, यदि आप उसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस नेम को वहां पर आपको फाइल नेम को सेव कर देगा। ये इसका एक अच्छा फीचर है और इसके अंदर सारी की चीजें ऑटोमेटिकली सेव होती हैं ऑनलाइन, आपके गूगल ड्राइव के अंदर जहाँ पे आप उसको बना रहे हैं वो वहां पर सेव होता रहेगा। ये इसका एक बेसिक फॉर्म है। अब आपने ये देखना है, गूगल फॉर्म को हम दो तरीके से यूज करते हैं, एज ए सर्वे और एज एन एग्जामिनेशन। यदि आपने सर्वे का करना है तो इसको आप सिंपली ऐसे क्वेश्चन आपने बनाया, जैसे मान लीजिए आपने लिखा योर नेम, ये आपका क्वेश्चन है और आप ये देखिए ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इसको सॉफ्टवेयर को ये लगा कि आप लोगों से नाम पूछ रहे हैं तो नाम तो बहुत लंबा नहीं होता तो उसने शॉर्ट आंसर अपने आप इसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। तो लेकिन आपकी मर्जी है, डिपेंडिंग ऑन आपका क्वेश्चन कैसा है आप इसको क्लिक करके, और इसमें से ये इतने सारे ऑप्शंस हैं इसमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने नाम के लिए तो यही रखा। अब यहाँ पर ये है, यदि आपको ये लगता है कि गलत बन गया तो आप इस डिलीट बटन के यूज करते हुए इसको डिलीट कर सकते हैं। यदि आपको ये लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन सभी से लेना है तो आप इसको रिक्वायर्ड कर दीजिए, तो उस वक्त जब आप इसको देखेंगे तो इसके पास आपको एक रेड एस्टेरिस्क नजर आएगा, इट मीन्स उसको किए बिना स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये हमने एक वो बनाया। अब उसके बाद मेरे पास दो अल्टरनेटिव हैं, नया क्वेश्चन मुझे ऐड करना है और यदि मुझे ये लगता है कि मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी नेचर का होगा तो मैं ये डुप्लीकेट बटन को यूज कर सकता हूँ। इसको मैं यदि क्लिक करूँ तो ये इसको रिपीट कर देगा और यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ योर क्लास, और ये बन गया। अब मान लीजिए यहाँ पर आप एक और चीज करना चाहते हैं, ये जो तीन डॉट हैं ये बड़ी अच्छी हैं, ये है एक डिस्क्रिप्शन। आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का मतलब इस प्रश्न से संबंधित आप कोई एक्स्ट्रा चीज वहां पर स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में आएगी। और रेस्पॉन्स वैलिडेशन होता है कि वो यदि उसको गलत कुछ कर रहा है तो सॉफ्टवेयर उसको अटेम्प्ट नहीं करने देगा। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कि ये कैसे होगा, अभी मैं आपको क्वेश्चन कैसे ऐड करने हैं वो बता रहा हूँ। तो एक तरीका ये है कि आप डुप्लीकेट यूज करते चले जाइए और आप उसके नेचर भी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो ये प्लस का निशान है इधर गोले में, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ऐड क्वेश्चन होगा। तो फीचर आप यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ, ये
नया क्वेश्चन ऐड करने के लिए है, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इधर नया क्वेश्चन ऐड हो गया और अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये मेरा एक क्वेश्चन बन गया। अब आप ये देखो सॉफ्टवेयर कितना होशियार है, ऊपर जब मैंने किया था तो उसने शॉर्ट आंसर किया था, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सप्लेन, तो कंप्यूटर को लग रहा है कि नहीं अब ज्यादा लंबा लिखना पड़ेगा स्टूडेंट को, तो उसने लॉन्गर आंसर टेक्स्ट अपने आप पैराग्राफ क्रिएट कर दिया यहाँ पर, मैंने नहीं छेड़ा था। अब ऊपर देखें, ये मेरा योर क्लास है, ये इधर शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर, लेकिन जब मैं इधर जाता हूँ मैंने ये क्वेश्चन बनाया तो इसने अपने आप इसको पैराग्राफ कर दिया। तो सॉफ्टवेयर भी हमारी क्वेश्चन की नेचर को समझता है। ये है कि आप इसको चेंज कर सकते हो, यदि आपको ये लगना है कि छोटा ही रखना है तो आप शॉर्ट आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं या कुछ और भी आप इसमें से बना सकते हो। वहां पर राम कुमार जी, ओके, अब उसके बाद इसके अलग फीचर ये हैं, इसके नीचे है इंपोर्ट क्वेश्चंस, ये एक बड़ा अच्छा फीचर आ गया है गूगल के अंदर इंपोर्ट क्वेश्चंस। इसका ये मतलब है कि यदि मान लीजिए आपने अपनी क्लास के लिए कुछ क्वेश्चन पेपर्स बनाए इस साल और अगले साल आपको उनकी जरूरत है, तो आपको नए सिरे से क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको ये लगता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके पिछले क्वेश्चन पेपर्स में से काम आ सकते हैं, तो आप इसको क्लिक करेंगे और ये फिर आपको ये दिखाएगा कि आपने पहले के आपके कौन कौन से क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं वहां पर, और उसमें से आप उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप जिसको भी आप चाहें उसको आपने सेलेक्ट किया, इसको क्लिक कर लीजिए, फिर ये आपसे पूछेगा सेलेक्ट, ये यहाँ पर ये आप कोने में वो वाली आ जाएगी और उसके क्वेश्चंस दिखाएगा आपको सारे और आपको कहेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने सेलेक्ट करना है इसमें, क्योंकि एक है, नहीं तो सारे करने हैं आप सेलेक्ट ऑल कर दीजिए। मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे ये वाला क्वेश्चन लेना है, मैं इसको क्लिक करूंगा एंड इम्पोर्ट, और ये देखिए ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ गया, ये मैंने नहीं बनाया, ये मैंने इम्पोर्ट कर लिया। तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा इसके अंदर है कि एक बार आप बना लें आपके अलग अलग जितने भी वो हैं, अभी आप ये देखिए मैंने इतने सारे ढेर सारे बना रखे हैं, तो मुझे जरूरत नहीं है हर बार नए सिरे से मैं किसी क्वेश्चनर को क्रिएट करूं, मैं सिंपली अपने इसमें से किसी एक में जाऊंगा और वहां से उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। ये है टाइटल ऐड करने के लिए या डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए मेरे इसके। मान लीजिए मैं अब मेरे क्वेश्चनर के अंदर तीन पोर्शन है, जैसे आप बनाते हैं एक में आपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनाया, एक में ऐसे टाइप बनाया, एक में आपने कुछ व्याख्यान करने के लिए कुछ लिखा, तो आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे नए सेक्शन का नाम सेक्शन टू, पर्सनल प्रोफाइल, वो आप डिपेंड करता है कि आप किसके ऊपर है, बट ये हेडिंग डालने के लिए ये आ गया। ये है उसको आप अपने क्वेश्चन पेपर में कोई फोटो डालना चाहते हैं तो आप फोटो को क्लिक कीजिए, फिर ये आपसे इतने सारे ऑप्शन दिखा रहा है, आप अपलोड कर सकते हो, कैमरे को क्लिक करोगे तो कैमरा आपका एक्टिवेट हो जाएगा, आप फोटो खींच सकते हैं, आप यूआरएल दे सकते हो यहाँ पे जो गूगल ड्राइव या गूगल सर्च इमेज, ये बड़ा अच्छा है इनका गूगल इमेज सर्च, आप इसको क्लिक करो तो यहाँ पे इमेज आ जाएगी, और यदि आप कहो कि आपको फोटोसिंथेसिस पे कुछ ढूंढना है तो ये ऑटोमेटिकली आपको ये फोटो दिखा देगा और इसमें से आप किसी भी एक फोटो को क्लिक कर लीजिए और उसको इंसर्ट कर लीजिए, तो ये देखो आप ये फोटो इंसर्ट हो गई। तो गूगल ने ही आपको फैसिलिटी दी है कि आप किस तरीके से अपने, अब आप इसका बेस पे अब आप एक इसको क्वेश्चन बना सकते हैं, ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लीज आइडेंटिफाई द प्लांट दिस लीफ इज ऑफ, किस पौधे की ये पत्ती है, ये आपने इस तरीके से ये इसको बना दिया और उसके नीचे आप उसकी जगह दे देंगे। उसी तरीके से आप वीडियो ऐड कर सकते हैं, आप अपने में वीडियो ऐड करने का ये फायदा है कि या तो आप इसको सर्च कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर फोटोसिंथेसिस
अरे ये मैं यहाँ पे इसको करके अंदर ही अंदर सर्च कर सकता हूँ और फिर उसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और ये वीडियो आ गया। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना सकता हूँ कि इस वीडियो को देखकर मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दें। तो स्टूडेंट जो है वो उसको देख के और वहां से वो उसको, और ये इसका है फिर एक सेक्शन ऐड करने का। सेक्शन होता है, आप अपने क्वेश्चन पेपर को अलग अलग सेक्शंस में बना रहे हो तो वो अलग अलग उसके सेक्शन बन जाएंगे। तो आप डिवाइड कर सकते हो अपने क्वेश्चन पेपर को कि एक तरह के क्वेश्चन एक जगह आ गए, दूसरी तरह के क्वेश्चन दूसरी जगह आ गए, और उस तरीके से आप वहां पर उसका नाम दे दीजिए सेक्शन 3 और वो उस तरीके से करके। सेक्शन करने में एक और बड़ी अच्छी चीज होती है आपको एग्जाम करने में, मान लो आप एग्जाम देना चाहते हैं शुरू में और आपने यहाँ पर ये जो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा योर क्लास, और आपने ये पूरे अपने कॉलेज में अपने संस्थान में इस टेस्ट को लिया और वहां पर आपकी 3 क्लासेस हैं BA, MA और MPhil, 3 तरह की क्लास के स्टूडेंट हैं वहां पर, और आप ये चाहते हो कि इसमें से कुछ पोर्शन केवल BA वाले स्टूडेंट करें, कुछ पोर्शन केवल MA वाले करें और कुछ पोर्शन केवल MPhil वाले करें। तो देखिए इस सॉफ्टवेयर की पावर, यहाँ पर आप ये क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस सेक्शन को करने के बाद ये जो ऊपर आफ्टर वन सेक्शन है, स्टूडेंट सॉफ्टवेयर क्या करेगा, स्टूडेंट क्या करेगा, आप यहाँ पर उसको ये करा सकते हैं कि गो टू सेक्शन या सबमिट फॉर्म, आप ये करा सकते हैं। यानी आपका क्वेश्चन ज्यादा है लेकिन आप स्टूडेंट को यदि यहाँ पर आप ये कर देंगे तो इसके बाद जैसे ही वो आएगा वो स्टूडेंट को आगे नहीं जाने देगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द क्लास आप स्टूडेंट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि कौन किसमें कहाँ पर क्या वो बनाएगा। ये तो क्वेश्चन को किस तरीके से ऐड करना है उसके फीचर है। अब ऊपर आप देखिए ये है जो आपको दिख रहा है, जैसे ड्राइंग बनाने वाला पैलेट होता है, ये इसकी अपीयरेंस को ठीक करने के लिए है। ये यहाँ पर ये कह रहा है आपसे इसके ऑप्शंस, आप हेडर यहाँ पर होता है ऊपर टॉप में, आप एक हेडर डाल सकते हो, उसमें अभी कोई इमेज नहीं है, आप चाहें तो इमेज डाल सकते हैं। इमेज में ये ऑलरेडी इनकी इनबिल्ट इमेजेस हैं, नहीं तो आप अपनी अपलोड कर लीजिए या फिर आप फोटो सेलेक्ट कर लीजिए जो ऑलरेडी हो तो वो भी आ जाएगी जो आपने अपलोड कर रखी है, इनमें से आप कोई भी डाल सकते हो, वो सिलेक्ट आपकी मर्जी है जो आपको ठीक लगता है। मान लीजिए आप कहते हैं कि मुझे ये वाला फोटो अच्छा लगा, आपने इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया और ये देखिए इमेज अपलोडेड, ये यहाँ पर ये इमेज आ गया। आप चाहते हैं कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हो, नहीं तो आप इसको हटा सकते हो, डिलीट कर दिया वो निकल जाएगा। नीचे उसके थीम कलर, अभी आप ये देखें ये लाइट पिंक सिलेक्टेड है, आप चाहते हो कि नहीं मेरे को ये लाइट पिंक अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बैंगनी कलर चाहिए, तो ये आप इसको ये सिलेक्ट कर लीजिए, आप जो भी कलर करेंगे वो ये तो इसके हेडिंग्स वाला आ गया। उसी तरीके से बैकग्राउंड कलर में आप उसको देख सकते हैं कि कौन सा आपने बैकग्राउंड कलर करना है, वो चेंज उसके अंदर से सारा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये फॉन्ट स्टाइल है, कैसे दिखेगा आपका टेक्स्ट, ये अब देखें वो चेंज हो गया, और ये डेकोरेटिव बना सकते हो, पर मेरा आपको इसमें सजेशन है कि आप इसको फॉर्मल रखें, नॉर्मल रखें, वो ज़्यादा फैंसी फॉन्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो क्योंकि दिक्कत होती है लोगों को। अब जैसे मान लीजिए यदि मैं ये फॉन्ट कर लूँ तो आप समझ रहे हैं कि यदि आपका लंबा क्वेश्चन होगा तो वो पढ़ने में दिक्कत करेगा स्टूडेंट को, दिखने में बेशक अच्छा लगे लेकिन वो उसके उसकी वो यदि आपने उसको 2 घंटे एग्जाम करने के लिए दिए हैं उसमें से यदि उसको 15 मिनट आपका क्वेश्चन पढ़ने में निकल गए तो डेफिनेटली एग्जाम के बाद वो झंडा लेके खड़ा हो जाएगा आपके खिलाफ कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। तो ये इसकी विजिबिलिटी को चेंज करने के लिए है। दूसरा ये जो आंख वाला आइकन आप देख रहे हैं ये है इसका प्रीव्यू कि एज ए टीचर ये है बट एज ए स्टूडेंट आपको कैसे दिखेगा। आप इसको क्लिक करके और आप ये देख सकते हैं कि स्टूडेंट को अब ये जो है ये यूजर व्यू है। ये देखिए मैं यहाँ पे अपना नाम टाइप करूंगा
अपनी क्लास बताऊंगा मेरी कौन सी क्लास है और ये मुझे यहाँ पे अपना एक्सप्लेन करना है, ये सेलेक्ट करना है और ये इस तरीके से ये आ गया और उसके बाद मैं उसको सबमिट करूँगा। तो ये मेरा व्यू है, यूज़र वाला व्यू। उसके बाद ये दो चीज़ें हैं जो आपको काम आएंगी। पहली है इसकी सेटिंग्स। अभी ये देखिए मैंने जो बनाया है अभी ये सर्वे है, अभी ये एग्जाम नहीं बना है मेरा, क्योंकि एग्जाम में आप नंबर देते हो अपने स्टूडेंट्स को, कुछ ना कुछ मार्क्स दोगे, 10 में से 15 में से 100 में से, वो अभी नहीं हुआ है ये। उसको मुझे इसको एग्जाम बनाने के लिए क्या करना होगा, मैं सेटिंग्स में जाऊंगा और ये इसकी जनरल सेटिंग्स हैं कि ये कैसे बिहेव करेगा। यदि आप ये चाहते हो कि आपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका ईमेल कलेक्ट करना है तो इसको टिक कर दीजिए और ये आपके ईमेल क्लिक करेगा। अब मैं क्योंकि अपने इंस्टीट्यूशन के लॉगिन से हूँ तो ये यहाँ दिखा रहा है, यदि ये टिक मार्क है तो केवल मेरी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी वाले ही इसको भर सकते हैं। तो मैं इसको हटा दूंगा तो कोई भी अब इसको इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। यहाँ से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि जो स्टूडेंट हैं वो एक ही बार इसको अटेम्प्ट करें, ये टिक कर दिया तो, और यदि मैं खाली छोड़ता हूँ तो वो दो बार भी कर सकता है। तीसरा है सबमिट करने के बाद वो उसको एडिट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। यदि आप इसको करते हैं कि अलाउड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, फॉर्मेटिव असेसमेंट है तो एडिट करा सकते हैं, सबमिटिव असेसमेंट है फाइनल एग्जाम ले रहे हैं तो इसको चेक ना करें, खाली छोड़ें। और उसी तरह से ये समरी देख सकता है या नहीं देख सकता है बाद में। फिर ये प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन का मतलब 50 क्वेश्चन है तो उसको वो प्रोग्रेस बार दिखे या ना दिखे, शफल कर दीजिए क्वेश्चन, उससे नकल मारने में थोड़ी सी उसको दिक्कत आएगी। नकल तो वो फिर भी मार सकता है बट थोड़ा सा कठिन बनेगा, इसीलिए हम घर पे दो दो ताले लगा के रखते हैं, दो दो दरवाजे लगाते हैं कि चोर को थोड़ा सा, चोरी तो वो फिर भी कर सकता है बट जितनी ज्यादा मेहनत करेगा तो थोड़ा सा उसका भी वो निकलना चाहिए नतीजा। और फिर वो करने के बाद यदि वो दूसरा रेस्पॉन्स करना चाहे तो ये टिक, तो जो भी आपको ये लगे वो आप दिखा सकते हैं। वो ये है हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्विज, इसमें आपने इसको टिक करना है मेक ए क्विज। यदि आप इसको क्विज बनाएंगे तो इसमें ये ऑटोमेटिकली नंबर आपको देने को पूछेगा और यहाँ पर ये कहेगा कि जो नंबर हैं जैसे ही उसको करेगा वो कब उसको मिले, इमीजिएटली जैसे ही किया सबको सबके नंबर दिख जाएं या फिर आप उनको बाद में अलाउड कराना चाहते हैं। हम यहाँ पर अभी इसको इमीजिएटली रख लेते हैं। उसके बाद उसने जो क्वेश्चन छोड़ दिया क्या वो उसको देख पाएगा, क्या सही आंसर देख पाएगा और उसके पॉइंट वैल्यू उसको दिखें या ना दिखें। पॉइंट वैल्यू का मतलब होता है कि उसमें आपने कितने उसके नंबर दिए हैं उसके टोटल और किस क्वेश्चन के हिसाब से वो आपने उसको बनाया है। जब आप ये सारा कर लें तो इसको सेव कर दीजिए। अब सेव करने के बाद जब आप अपना क्वेश्चन बनाएंगे, अब हम क्या करते हैं, मैं इसमें से अब नया क्वेश्चन ऐड करता हूँ सेक्शन दो के बाद। ये मैंने एक क्वेश्चन बनाया और ये देखिए बाय डिफॉल्ट ये मल्टीपल चॉइस ले रहा है, मैं अलग अलग क्वेश्चन बनाता हूँ। पहला क्वेश्चन है मेरा वेयर इज श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी लोकेटेड। ओके, और मैं इसको बनाऊंगा मल्टीपल चॉइस और इसके मैं इसके ऑप्शन देता हूँ। एक तो है क्या बोलते हैं इसको, कुतुब एरिया, दूसरा है लोधी, अप स्पेलिंग पे मत जाइए, तीसरा बिहार और चौथा हमने लिख दिया लखनऊ। ओके, ये मेरा एक क्वेश्चन बन गया। अब ये क्वेश्चन तो बन गया, सॉफ्टवेयर इसके नंबर कैसे लगाएगा उसके लिए आपको ये जो आंसर की है इसको क्लिक करना है। आंसर की को आप क्लिक करेंगे, अब आप बताएंगे कंप्यूटर को कि सही जवाब कौन सा है। तो ये इसका सही जवाब है कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, ये आगे टिक मार्क आ गया और यहाँ पर आप इसके नंबर कर दीजिए, एक या दो या जितने भी आपने देने हैं वो, और डन। अब ये मेरा क्वेश्चन बन गया।
उसी तरीके से ये देखिए आप नीचे आंसर की आ गई, वन पॉइंट है उसका, मैंने उसको एक नंबर एक दिया है। और मैं अब इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ ताकि मुझे मेरा ये फॉर्मेट सेम रहे मेरे को, और मैं दूसरा क्वेश्चन बनाता हूँ विच सब्जेक्ट इज टॉट एट श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी। ठीक है, पहला मैंने कर दिया संस्कृत, दूसरा कर दिया बॉटनी, तीसरा मैनेजमेंट, चौथा कंप्यूटर साइंस। और मुझे इसका इसको सही जवाब बताना है कि संस्कृत है या कौन सा है। इसका नंबर इधर दे दिया और ये सेव इसको कर दिया। अब मैं एक अलग नया क्वेश्चन बनाता हूँ, मैं इसको डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ और ये यहाँ से मैं इसको कंपलसरी कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है ये, अब ये इसको जब तक आप पूरा नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं जाएगा। उसके बाद अब ये मेरा है, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन डालता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बनाता हूँ कि व्हाट इज स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऑफ श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी। ओके, और ये मैं इसको कर देता हूँ मेरा शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब स्टूडेंट स्ट्रेंथ में पूछ रहा हूँ जिसमें आपको नंबर लिखना है यानी डिजिट होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अब मैं एक रेस्पॉन्स वैलिडेशन लगा सकता हूँ यहाँ पे। रेस्पॉन्स वैलिडेशन क्या हो, पहले तो मैं डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, यहाँ पे लिखा जाएगा प्लीज राइट नंबर्स, ताकि वो ABCD टाइप ना करें। और दूसरा मैं करूँगा रेस्पॉन्स वैलिडेशन। रेस्पॉन्स वैलिडेशन में ये देखिए मैंने नंबर लगा दिया, नंबर जो है वो इक्वल टू क्या रहे, कुछ भी रहे, वो आप ये इसको इस तरीके से आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो, किसके बराबर रहे, क्या रहे, सारे का सारा होल नंबर हो, नॉट बिटवीन हो, नॉट इक्वल टू हो, वो आप डिसाइड कर सकते हो। ये करके मैंने इसको कर दिया और मेरा राइट आंसर जो है इसमें मार्क ऑल दी आंसर्स करेक्ट, या आप उसको वो बता सकते हो वहां से मार्क ऑल आंसर्स इनकरेक्ट, या एड ए करेक्ट आंसर मान लीजिए 5000 और इसका एक नंबर, और ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये इस तरीके से ये आप इसमें क्वेश्चंस बनाते चले जाएंगे। अब आप देखो कि स्टूडेंट को ये कैसे नजर आएगा। अब ये मेरा क्वेश्चन पेपर है। ओके, तैयार है, मैं इसको अब इसका ये देखिए यहाँ पे चार क्वेश्चंस मैंने बनाए, टोटल चार पॉइंट हैं। ये इसके रेस्पॉन्स, एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्स, और ये मैं इसको क्लोज भी कर सकता हूँ तो ये नया रेस्पॉन्स नहीं लेगा। ये बनाया है यहाँ पर, और अब आप इसको सेंड करेंगे, दिखाएंगे यहाँ पर आई इनवाइट यू टू फिल आउट दिस फॉर्म, और ये इसका URL, शॉर्टन URL, ये कॉपी किया, और अब आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर ये मैंने इसको आपके गूगल चैट में सेव कर दिया। डॉक्टर अतुल पूछ रहे हैं कैन वी सेट टाइमिंग्स आल्सो, यस हम अपना गूगल फॉर्म के अंदर डायरेक्टली यहाँ पे नहीं है, बट उसके लिए एक टाइमिफाई एक विजिट है, वो हम उसको कर सकते हैं वहाँ से। हम ये देखो आप ये मेरा जो मैंने बनाया था अभी आपको याद होगा, वो नीचे इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारे उसमें जो हमने ये बनाया था एक वैलिडेशन, मुझे ये निकालना पड़ेगा यहाँ से।
और ये इसलिए वो नहीं दिखा रहा था, कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन, ये कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन आ गया। ओके ओके अभी हाँ ठीक है, नेक्स्ट सेशन। तो ये मेरा जीमेल आईडी आ गया, ये मेरा नाम आ गया, क्लास में मैंने बीए लिख दिया, फोटोसिंथेसिस, सनलाइट ये है। दिस नाउ दिस इज द क्वेश्चन, इट इज वन मार्क्स, विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यूपी से आई एम पुटिंग इट एज अ रॉन्ग, लखनऊ, एंड देन दिस आर द क्वेश्चंस, सपोज आई हैव डन दैट, आई विल गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, एंड हेयर आर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, वेयर इज यूनिवर्सिटी लोकेटेड, हेयर, विच सब्जेक्ट इज टॉट, से बॉटनी, एंड हाउ मैनी से नंबर। नाउ सी if I type this and if I submit, it is not letting me submit. Okay, so इस तरीके से आप स्टूडेंट को गलत आंसर देने से रोक सकते हैं। अब मैं यहां पर मान लीजिए लिखता हूं 5500 and submit, तो क्योंकि मैंने वहां पर is equal to कर रखा था राइट आंसर बताने के लिए, तो 5000 और इट मस्ट बी नंबर मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ये मेरा सबमिट हो गया। ठीक है, योर रेस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, नाउ व्यू स्कोर। अब ये देखिए, ये मुझे टोटल पॉइंट में से मेरा एक ठीक है, चार में से मुझे एक नंबर मिला, ये मेरा था, इट इज शोइंग हेयर एंड सिंस देयर वाज नो इनटू इट, सो हेयर इज दिस आंसर, and this way you can see it, here it is zero because it is wrong, here it is zero because it didn't give it, here is one by one, it means it is right, and we can add feedback also. जब हम अपना क्वेश्चन बनाएंगे, मान लीजिए ये मेरा क्वेश्चन एयर है और मैं वापस इधर जा रहा हूँ यहाँ पर, और मैंने इसमें ये बनाया add answer feedback, यहाँ इनकरेक्ट के लिए आप लिखेंगे सॉरी, ट्राई अगेन, और करेक्ट आंसर के लिए लिखेंगे वेल डन, एंड आप यहाँ पर वेल डन करने के बाद आप यू नो चाहे तो स्टूडेंट को हेयर इज द यूनिवर्सिटी साइट, और आप फिर उसका हाइपरलिंक भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, यानी आप सीधा स्टूडेंट को उस लिंक पे पहुंचा सकते हो, उसे उसे उसको फायदा मिल जाएगा। ये इस तरीके से हमने कर दिया। अब इसको दोबारा करके देखते हैं एक बार, मैं ये वापस से क्लोज करता हूँ, ये मैंने बनाया, ये मेरा सेव हो गया, और तो ये मैंने ईमेल लिया, ये आंसर डाला, मैंने अपनी क्लास बता दी, ये आंसर आ गया इसका, व्हाट इज द कैपिटल, हेयर दिस आंसर्स, नेक्स्ट व्हाट इज लोकल, हेयर संस्कृत, एंड माय आंसर जीरो, सबमिट, योर रिस्पांस, व्यू स्कोर। अब आप ये देखिए, ये जो मैंने किया ये यहाँ पे दिखा रहा है, तो इंस्टीट्यूशनल एरिया, और ये देखिए आप, इसका मैंने ये बनाया था संस्कृत, ठीक है, ये फीडबैक यहाँ है, वेल डन, हेयर इज द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। इस तरीके से आप स्टूडेंट को कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है, वो किस तरीके से वो करना है, वो सारा आप उसको बता सकते हो। ठीक है, अब इसमें आपने किसी ने टाइम वाला क्वेश्चन पूछा था कि इसके टाइम का, देखिए हाँ
ये आप लोग साथ के साथ 8 रेस्पॉन्स आ गए, वेरी गुड। ये आप लोगों का रिजल्ट है इधर। अवस्थी जी, गजानन, ओ गजानन जी कैसे हो आप? ओके, पीएचडी सिंह, ये इस तरीके से मेरे पास एज ए टीचर सभी का रिजल्ट मैं देख सकता हूँ और किस तरीके से किया। लेकिन इसका एक बेटर वे ये है, ये आपको ग्राफिकल दिखाता है सारा स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का। जितना आप करेंगे सभी के सभी परफॉर्मेंस ग्राफिकल आती चली जाएगी। लेकिन यदि आप ये चाहें तो आप इसके एक स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं। ये इसका स्प्रेडशीट का आइकन है, तो आप इसको क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कहाँ पे करें, नई क्रिएट करनी है या किसी ऑलरेडी में डाटा भेजना है। बेटर ये रहता है कि आप नई कर लीजिए, पुरानी शीट में करेंगे तो अनलेस आपको एमएस एक्सेल अच्छे तरीके से आता हो, कैसे आप शॉर्ट करेंगे, फिल्टर करेंगे, तो आप उसको क्रिएट कर दीजिए और ये अपने आप ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर नई शीट जनरेट करेगा। और ये देखिए आप सबका ये मेरे पास यहाँ पर रिकॉर्ड आ गया। ये आप लोगों का ईमेल आईडी है, ये आपके नंबर हैं, ये आपका नाम है, आपकी क्लास है, और इस तरीके से ये पूरी शीट मेरे पास बन गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, दो चीजें हैं, अभी टाइम नहीं है इसलिए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाऊंगा उनको। और दो चीजें हैं यहाँ पर, ये सारे का सारा मैं टेस्ट, या तो मैं मेल मर्ज करके, मैं देखता हूँ शायद मैंने मेरे वाले में मेल मर्ज, हाँ मैंने अपनी मशीन के ऊपर मेल मर्ज को कन्फिगर किया हुआ है। मैं मेल मर्ज करते हुए ये सारे के सारे जो हैं आपको उनको ईमेल भी कर सकता हूँ। जैसे अब ये अनेबल ईमेल है और प्लीज इज नाउ अनेबल फॉर दिस गूगल शीट, ये अनेबल हो गया। एंड नाउ आई विल एड ऑन मेल मर्ज, क्रिएट ए मर्ज शीट। फिर ये यहाँ से मेरे से कहेगा कि इसको मैं कन्फ्यूगर करूँ, तो ये आप लोगों का ऑटोमेटिकली आप सभी को इसका रिजल्ट चला जाएगा, ये यहाँ से है। दूसरा, आप में से जो टाइम का पूछ रहे थे, उसके दो तरीके हैं। ये एक तो ये है कि आप यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। अब यदि आप में से अब 19 रिजल्ट मेरे पास हैं, अब आप कोई ट्राई करेगा तो आप इसका रिजल्ट अब आप इस क्वेश्चनेयर को अब आप सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। तो आप 10 बजे इसको शुरू कीजिए, 12 बजे इसको क्लोज कीजिए, और ये उतने दौरान के अंदर ही आपको ये रहेगा। अदरवाइज एक टाइमिफाई करके भी एक यूटिलिटी होती है, वो आप सर्च कर सकते हो। ये है टाइमिफाई गूगल फॉर्म्स के लिए, ये टाइमर है गूगल फॉर्म्स का। वैसे ये कमांड बहुत लोगों को पता नहीं है इसलिए आप लोग फॉर्चुनेट हो कि ये चीज आप आज जान रहे हो। यहाँ पर आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और ये आप देखिए ऑनलाइन एग्जाम एंड असेसमेंट विद गूगल फॉर्म्स, और इसके साथ साथ ये आपको एनालिटिक्स देगा, कस्टम ब्रांडिंग, वेब कैम ट्रैकिंग एंड अदर टूल्स फॉर योर ऑनलाइन टेस्ट, ये करके एजुकेशन। और बेटर ये है कि यदि आप लोगों के पास उसमें वो है तो ज्वाइन नाउ आप साइन करके स्टार्ट करके आप इसको चेक कर सकते हैं। ओके, सो आई एम स्टॉपिंग माय स्क्रीन एंड नाउ आई थिंक वी कैन टेक सम क्वेश्चन आंसर्स। एक्चुअली आप लोगों को अब, क्योंकि वो चैट में मैसेज बहुत ऊपर चले गए हैं, अच्छा ये रहेगा कि या तो आप एक एक करके, जितेंद्र जी आपको अलाउड कर देंगे, आप अपना माइक्रोफोन, पर मेरा ख्याल है शाम को भी हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है अमिता जी, उस वक्त भी हम मेरे ख्याल में क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज यदि क्विकली कोई एक कुछ क्वेश्चन हो, क्योंकि आप लोगों को शायद लंच में ब्रेक जाना है, उसके बाद आपका नेक्स्ट सेशन अमिता जी लेने वाली है, तो जैसा आप आदेश करें, यदि बाद में करना है तो मैं अवेलेबल रहूंगा। क्वेश्चन सर बाद में है, सर एक क्वेश्चन है, गूगल फॉर्म में जल्दी बोल, गूगल फॉर्म में हम क्या रूब्रिक यूज कर सकते हैं? गूगल फॉर्म के उसको आप गूगल क्लासरूम से रूब्रिक यूज करके गूगल फॉर्म को यूज कर सकते हो। इनडायरेक्टली रूब्रिक आप क्वेश्चन इस तरीके से बना सकते हो कि वो इस रूब्रिक को सेटिस्फाई करे।
ओके सर। सर आई वांट टू आस्क, जैसे हम रिस्पॉन्सेज को ऐसे करते थे कि इफ पार्टिसिपेंट सेज यस नेक्स्ट क्वेश्चन विल ओपन, इफ नो देन क्वेश्चन विल नॉट ओपन, हाउ टू सेट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस? वही तो आपको दिखाया वो जो रिस्पांस वैलिडेशन और वहां पर आप उसको करते हैं, आपको उसको सेट करना पड़ेगा। मैं बस ये लास्ट चीज दिखा के आपको, फिर मैं जितेंद्र जी को मैं हैंड ओवर करता हूँ। मैं जस्ट इस चीज को एक बार दोबारा डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ। सर अटेंडेंस के रिगार्डिंग एक अनाउंसमेंट था। जी बताइए। हाँ, सभी प्रतिभागियों के लिए आप अपना चैट बॉक्स चेक करें, आपके चैट बॉक्स में अटेंडेंस का लिंक शेयर किया गया है। अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आप अपना अटेंडेंस मार्क कर लें, 115 तक ये लिंक एक्टिव रहेगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अभी जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा, ये आप ये यहाँ देखें, आप जो भी क्वेश्चन के बाद स्टूडेंट को क्या कराना चाहते हैं, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है विच इज ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और आपको ये लगता है कि इस क्वेश्चन के बाद मुझे स्टूडेंट को जैसे यस और नो कर दूं, मैं मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन की नेचर चेंज कर देता हूं एंड आई विल मेक इट लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। ये देखो, ये मुझे सॉफ्टवेयर कह रहा है कि आप यूपी लिखने के बजाय उत्तर प्रदेश लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, तो वो वहां पर उसको मैं ला सकता हूँ वहां पर। अब मैं क्या करूँगा, ये मैं सारे हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं देखिए आप, मैं यदि मैं यस लिखता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली कहता है कि यस के साथ दूसरा नो, तो ये नो अपने आप यहाँ पर आ गया। अब मैं क्या करूंगा कि जो यस करेगा वो कहीं और जाएगा, और जिसको इतना भी नहीं पता कि लखनऊ यूपी की कैपिटल है उसको आप क्लास से बाहर करो, तो नो करेगा तो क्या होगा, ये यहां से आप उसको कंट्रोल करेंगे। गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर, ये इस आंसर पे यस करेगा तो कंटिन्यू कहां भेजें उसको, और नो करे तो आप उसको करवा दीजिए सबमिट फॉर्म, बस। धन्यवाद महोदय, अत्यंतम सरलतया कठिन प्रविधि बोधितवंतः, बहुत ही सरलता से हम लोगों को किस तरह टेस्ट बनाना है महोदय ने हम लोगों का बोधन किया, और मैं महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।